हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजा मोनिटर चैनल पर। तो दोस्तों, जियो फोन नेक्स्ट जो कि 10 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, और लॉन्च से पहले ही बहुत सारा इसके स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या होने वाला है, इसके फीचर्स और सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो यार, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आने वाले ऐसे वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, बात करें जियो फोन जब लॉन्च हुआ था आज से तकरीबन 2 साल पहले, तो दोस्तों उसका लगभग 17 मिलियन फ़ोन सोल्ड हुए हैं इंडिया में। लगभग 2 करोड़ के आसपास यहां पर फ़ोन बिक चुका है जियो फोन। तो उसी के सक्सेस के बाद यहां पर जियो फोन नेक्स्ट जियो लेकर आ रहा है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में जियो की तरफ से अनाउंस किया गया कि 10 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, बात करें कि जियो फोन नेक्स्ट जो कि गूगल और जियो मिल के बना रहा है, तो दोस्तों ये बहुत ही बजट रेंज का मोबाइल फ़ोन होगा, जिसमें आपको, जैसे आपको पता होगा आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग कीपैड मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जियो और गूगल मिलकर ये फ़ोन बना रहा है, जिसमें आपको गो एडिशन वाले काफ़ी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा गूगल के तरफ से। तो दोस्तों, ये एंड्रॉयड पर बेस्ड होगा। तो इसमें आपको 5 इंच का HD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस देगा। आपको ये 5 इंची का इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। अगर बात करें तो ये एंड्रॉयड 11 पर आएगा, जो कि एंड्रॉयड गो एडिशन होगा गूगल की तरफ से। यहाँ पर आपको फ्यूचर में अपडेट भी मिल सकता है, जो कि गूगल ही इस फ़ोन को बना रहा है जियो के साथ टाई अप करके। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें और प्रोसेसर की बात करें, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 क्वाड कोर चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि मिड रेंज स्मार्टफोन को आराम से संभाल लेगा। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगा, लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि ये एक मिड रेंज आप नहीं बोल सकते, ये एक बजट स्मार्टफोन होगा, जो कि लगभग आपको 3,500 के प्राइस में लॉन्च होने का चांसेस है। तो दोस्तों, इसमें आप बेसिक ही काम कर पाएंगे, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इसमें आप BGMI खेल पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छा काम आपको ये निकाल कर देगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 चिपसेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है, जो क्वाड कोर प्रोसेसर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पर गो एडिशन वाले होंगे। यहाँ पर कैमरा वगैरह हो गया, डायलर, जो भी आपको गूगल जो भी प्रोवाइड करता है, एंड्रॉयड 1 वाला प्रोग्राम देखने को मिलता है। हालांकि गूगल गो एडिशन वाला यहाँ पर देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर, जो कि आपको अच्छी तरीके से काम निकाल कर देगा बजट रेंज के हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलेगा, जो कि लोकल रूरल एरिया वाले जितने भी लैंग्वेजेस है उसको गूगल ऐड करेगा, ताकि आपको हर लैंग्वेज में आप इस मोबाइल को यूज कर पाएंगे। और इसमें वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि गूगल असिस्टेंट काम करेगा बहुत ही कमाल तरीके से। तो दोस्तों, उसका भी फ़ायदा आप इस फ़ोन में उठा पाएंगे। तो इसमें 2500 mAh की बैटरी होने की यहाँ पर लीक निकल के आ रही है, और यहाँ पर ये 10 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, लॉन्च से पहले यही सारा इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगा है। तो दोस्तों, लॉन्च जब हो जाएगा तो एक प्रॉपर वीडियो और भी बनेगा नेक्स्ट। तो दोस्तों, उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यार गाइस, सब्सक्राइब कर लो, लाल कलर का बटन को दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करो, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर कोई इससे जुड़ा कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो कमेंट में लिखना ना भूले, मैं जरूर उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।